डियर फ्रेंड्स, एक नए नोटेशन वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही स्लो और सुकून भरा नगमा, तो उसकी आपको नोटेशन देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो गीत है मूवी खामोशी से है, 1969 की मूवी खामोशी। तो उसका एक प्यारा सा गीत तुम पुकार लो। तो फ्रेंड्स, इस सॉन्ग को खूबसूरत आवाज जो है वो दी है हेमंत कुमार साहब ने, म्यूजिक जो है वो भी हेमंत कुमार साहब का है, और खूबसूरत और बाकमाल जो बोल हैं इस गीत के वो लिखे हैं गुलजार साहब ने। तो इस गीत की आज आपको नोटेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, नोटेशन के फॉर्मेट के लिए एज यूजुअल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, मेरा एक पुराना वीडियो रहेगा जिसमें कि मैंने नोटेशन का जो फॉर्मेट है वो समझाया है। तो जो लोग नए हैं या इस नोटेशन फॉर्मेट से वाकिफ नहीं है तो वहां पे जाके आप पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि बाद में आपको नोटेशंस जो हैं वो समझने में आसानी रहे। और उसके बाद अभी मैं इस वीडियो से गायब हो जाऊंगा और नोटेशंस जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए अभी मैं यहां से होता हूं गायब और हम स्टार्ट करते हैं इस सॉन्ग की नोटेशंस। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस सॉन्ग की नोटेशन। तो अभी इसको मैं प्ले करने जा रहा हूं, सुजुकी सॉन्ग स्टार सी स्केल हारमोनिका है मेरे पास, तो इसके ऊपर इसको प्ले करूंगा। और सॉन्ग जो है वो लोअर ऑक्टेव के रे स्वर से, तो ये रे स्वर है, यहां से स्टार्ट होगा। और सॉन्ग के स्टार्टिंग में एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत छोटा सा आलाप है, तो उसकी नोटेशन आपके सामने आ चुकी है। तो अभी उस आलाप पार्ट से स्टार्ट करते हैं नोटेशन को। आलाप भी रे स्वर से स्टार्ट होगा, तो अभी देखते हैं इस आलाप को कैसे प्ले करना है। तो ये तो था इसका आलाप, और इसके बाद अभी नोटेशन जो है इसके मुखड़ा पार्ट की वो आपके सामने आ चुकी है। तो मुखड़ा की पहली दो लाइंस, तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, तो उसकी नोटेशन आपके सामने है। लोअर ऑक्टेव के रे स्वर से स्टार्ट होगा। तो एक बार बिल्कुल स्लो स्पीड पे धीरे धीरे आपको बजा के दिखाता हूं, और आप उसको नोटेशन के साथ फॉलो कीजिए। तो ये तो थी मुखड़ा की पहली दो लाइंस, इसके बाद अगली दो लाइंस की नोटेशन आपके सामने आ चुकी है। इसमें आप देखिए कि जो लिरिक्स हैं, तुम्हारा इंतजार है, तो लिरिक्स तो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, बट इससे पहले जब हमने तुम्हारा इंतजार है बजाया था, लिरिक्स के मतलब नोटेशन उसकी जो थी, तो अभी नोटेशन जो है वो डिफरेंट रहेगी। अब इसके बाद जितनी बार भी ये लाइन तुम्हारा इंतजार है इस सॉन्ग में आएगी, तो आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से बजेगी। तो एज कंपेयर टू जो पिछली बार हमने पहली लाइन बजाई थी, जो पहली दो लाइन थी उनमें जो तुम्हारा इंतजार है लाइन आई थी, तो उसको बजाने का तरीका जो था, नोटेशन जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। तो अभी आपको बजा के दिखाता हूँ एक बार ये वाली मुखड़ा की अगली दो लाइन्स। तो आपने देखा तुम्हारा इंतजार है, अभी इस बार जो मैंने प्ले किया वो एज कंपेयर टू जो फर्स्ट दो लाइन थी उनसे टोटली डिफरेंट था। तो इसके बाद अंतरा की स्टार्टिंग लाइंस जो हैं उनकी नोटेशंस आपके सामने आ चुकी हैं, और एक बार बिल्कुल स्लो स्पीड पे जो स्टार्टिंग पार्ट है अंतरा का वो प्ले करके देखते हैं।
इसके बाद अंतरा की जो नेक्स्ट लाइन है उनको प्ले करके देखते हैं। इसके बाद फिर से तुम्हारा इंतजार है, तो वो जैसे दूसरी बार मैंने बजाया था फ्रेंड्स आपने देखा आसान सा सॉन्ग है। कंपैरेटिवली हारमोनिका के हिसाब से अगर आप हारमोनिका के ऊपर प्ले करेंगे तो बहुत ही सूदिंग सा, बहुत ही आसान सॉन्ग है, आराम से आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ नोटेशंस आपको पसंद आई होंगी, ज़रूर आप इस सॉन्ग को ट्राई करेंगे, प्ले करेंगे, और इसके बाद इसी तरह के और नए सॉन्ग्स की नोटेशंस लेके समय समय पे आपके रूबरू होता रहूंगा। तो फ्रेंड्स आज मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले नोटेशन वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ।